अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर विल बी फाइन। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी हॉस्टल। आप लोग कहोगे कि ये कौन सी हॉस्टल है, ऑलरेडी आप मैं दिखा चुका हूँ। बट एक मिनट मुझे रोड क्रॉस करने दें। अच्छा, हमारी हॉस्टल चेंज हो गई थी, हम सफाया से आ गए थे यस यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में। तो ये बहुत बड़ी हॉस्टल है। ये गाड़ी देख, गाड़ी देख। ये पीछे आपको वो गाड़ी दिख रही होगी छोटी सी, ये वाले बहुत प्यारी है ये। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं यास यूनिवर्सिटी की हॉस्टल और यहाँ पे एंट्रेंस सिस्टम क्या है क्या नहीं है। तो मैं अब गेट से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वो रहा गेट, और मेरे साथ भी प्रैंक हो गया जैसे इसके साथ हुआ है, कार्ड बनवाने गया, बैंक बंद थी, मैं ना ये क्लिक ही नहीं किया, वीडियो बना रहा था। वो वहाँ से गेट है जो आप लोगों ने देख लिया, और उसके फ्रंट व्यू है कि बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं। ये चेक पोस्ट है, उस साइड पर जो है ना बसेस रुकती हैं, हमारी बस गेट पे ही आती है, यस यूनिवर्सिटी वालों की उस साइड पे होती हैं। ये देखें दूध, अगर आप लोगों ने खाने हो तो, हमें तो रोज़ा हम नहीं खा सकते। तो यहाँ बहुत सारे शतूत लगे हुए, हम लोग आएंगे या आई थिंक किसी ने खाए भी होंगे। ये पार्किंग का एरिया है, ये स्टूडेंट्स की गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई हैं। और मज़ीद हम आपको दिखाते हैं कि क्या सिस्टम है आगे, इससे पहले आएगी फिर उसके बाद हम अंदर दाखिल होंगे। यहाँ से वैसे बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये अहाता है पूरा, इन्होंने एक बाउंड्री लगाई हुई है, आप कहीं से भी एंटर नहीं हो सकते, जस्ट यहाँ एंट्रेंस है वहाँ से ही आप दाखिल होंगे। ये है भाई एंट्रेंस, आप देख सकते हैं वरूद लिखा हुआ है। और ये है भी मेरा कार्ड, पासपोर्ट ज़रूरत नहीं होता, ये तो हम बैंक के लिए लेके गए थे, इस कार्ड से मैं करूँगा। यहाँ पे आपको एटीएम मशीन भी मिली हुई है, ये देखिए इमाम अली के हवाले से लिखा हुआ है, ये प्योर एंट्रेंस। तो ये है भी सिस्टम, जैसे मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ से पास होता हूँ। हमारे पाकिस्तान में मेट्रो सिस्टम में ऐसा होता है। ले जी, हम अब हॉस्टल के दूध में आ चुके हैं। उस साइड पे बिल्कुल मैदान है खाली, तो वहाँ से हम लोग जो है नॉर्मली वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। व्लॉग मैंने नहीं बनाया। यहाँ पहले पहले आपको मस्जिद नज़र आएगी, इस उस साइड पे इसका जो फ्रंट व्यू है, ये जनरेटर वाला रूम। बाकी यहाँ पौधे देखें, हालांकि नॉर्मली ये इसे सराह कहते हैं ना यस को, लेकिन ये लोग इतने हैं मीन यूँ समझे कि भी मेहनती हैं, कि हर एक चीज़ को उन्होंने खूबसूरत रंग दिया हुआ है। देखिए इतने दरख्त उगाए हुए हैं और इनकी मेंटेनेंस भी बरकरार है। ये देखें भाई, यहाँ पे एक फवारा सिस्टम है, लेकिन अभी तक ये ऑन नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आई थिंक फंक्शन वगैरह हो तो ये ऑन कर सकते हैं। ये कोई खाना वगैरह देने वाली आई थिंक होगी, फिर जैसे अंदर मैच साल है ना सहरी और अफ्तारी के लिए, अभी रमज़ान में ये इस उनका है। यहाँ बिल्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पे यस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रहते हैं। हम लोगों को इन्होंने जो बिल्डिंग दी है वो बिल्कुल उस तरफ है, ग्राउंड के उस तरफ। लेकिन आप लोग देखें किस कदर खूबसूरत है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। मुझे पाकिस्तानी हॉस्टल्स का इतना वो नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत अच्छा सिस्टम होता है। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत खूबसूरत होती हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल इन दरख्तों के उस साइड पे पीछे मैसाल है, और मैसाल के ऊपर जो है लाइब्रेरी है, स्टडी हॉल है बल्कि। यहाँ ऊपर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी रहते हैं दो एमफिल के। ये देखें भाई, ये किस्म का मैदान है, ये वॉलीबॉल के लिए भी है, आप बच्चे यहाँ क्रिकेट भी खेल रहे थे, हम लोग क्रिकेट ही खेलते हैं। पाकिस्तानी यहाँ के बहुत ज़्यादा खुश हैं। पहले जो है जहाँ पे भी हम रहते थे वो एक घर टाइप हमें मतलब हॉस्टल मिलती थी, अब ये बहुत बड़ी हॉस्टल है। यहाँ पे वहाँ पे एक मसनूई घास लगा हुआ है, फुटबॉल का ग्राउंड, वहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है वहाँ पर। अब हम लोग भी यहीं से जाना इंटर होंगे अपने हॉस्टल की तरफ जाने के लिए। ये वाली जो है ना ख्वाबगाह, ये हमारी है, ये वाली बिल्डिंग ख्वाबगाह शहीद रहीम दिल।
यहाँ पे रहते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एम फिल के हैं तो।